तो हाय गाइस, मेरा नाम है सोबित यादव और आप देख रहे हो फिल्मी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आपको पता ही होगा दबंग 3 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। दोस्तों, ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, अगर नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिए। काफ़ी फैंस को पसंद आ रहा है, लोगों को बेसब्री से मूवी का इंतजार हो रहा है क्योंकि एक्शन उसमें भरपूर है, ड्रामा भी है, कॉमेडी भी अच्छी खासी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दबंग 3 एक्टर्स की फीस के बारे में। मैं आपको बता दूँ, एक्टर्स ने काफ़ी चौंकाने वाली फीस ली है जिसको देख के आपके होश उड़ जाएंगे। और हम सलमान खान की बात करें तो उनका तो अलग ही फंडा है, सबसे ज़्यादा फीस उन्होंने ही ली है। तो चलिए बात करते हैं फीस की। दोस्तों, छठा नंबर आता है बरीना हुसैन का। फिल्म लव यात्री से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अभिनेत्री बरीना हुसैन फिल्म दबंग 3 में एक सॉन्ग पर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगी। इस सॉन्ग पर परफॉर्मेंस करने के लिए बरीना हुसैन को 40 लाख रुपये की फीस मिली है। दोस्तों, उसके बाद पांचवा नंबर आता है नितिन धीर का। बॉलीवुड के बॉलीवुडर अभिनेता नितिन धीर फिल्म दबंग 3 में चुन्नी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इस किरदार के लिए उन्हें 80 लाख रुपए की फीस मिल रही है। दोस्तों, उसके बाद चौथा नंबर आता है माही गिल का। माही गिल फिल्म दबंग 3 में अरबाज खान की पत्नी का किरदार निभाने वाली हैं। इस फिल्म में काम करने के लिए माही गिल को 1 करोड़ रुपये की फीस मिली है। उसके बाद दोस्तों, नंबर आता है तीसरा हमारी सबकी फेवरेट सोनाक्षी सिन्हा का। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा फिल्म दबंग 3 में रज्जो का किरदार निभाने वाली हैं। इस फिल्म में काम करने के लिए सोनाक्षी सिन्हा को लगभग 7 करोड़ रुपए की फीस मिली है। दोस्तों, अब बारी है दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पर आते हैं किच्चा सुदीप। साउथ के सुपरस्टार अभिनेता किच्चा सुदीप फिल्म दबंग 3 में मुख्य विलेन का किरदार निभाने वाले हैं। इनके किरदार का नाम सिकंदर भारद्वाज बताया जा रहा है। इस फिल्म में काम करने के लिए किच्चा सुदीप को लगभग 12 करोड़ की फीस मिल रही है। दोस्तों, उसके बाद पहला नंबर आता है हमारे सबके फेवरेट एंड बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता फिल्म दबंग 3 में चुलबुल पांडे का किरदार निभाने वाले हैं। सलमान खान फिल्म में लीड एक्टर हैं। इस फिल्म में काम करने के लिए सलमान खान को 60 करोड़ रुपए की फीस मिल रही है। दोस्तों, 60 करोड़ जो कि मुझे लग रहा है अब तक का इनका सबसे ज़्यादा पैसा इस मूवी से वो अर्न करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाले हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना एंड बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू।